ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। भाई आज की वीडियो में हमारे पास दो स्मार्टफोन है, किलर स्मार्टफोन है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च हुए थे। अब यहां पर दोस्तों पहला स्मार्टफोन हमारे पास Realme GT Neo 3T है, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये 24,000 के अंदर लॉन्च हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर डिस्काउंट के अंदर ये फोन 20,000 के अंदर सेल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के अंदर इस फोन को बाय कर सकते हैं, जो कि 20,000 के अंदर ये फोन मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। खैर, अब बात करते हैं दूसरे फोन की, जो कि हमारे पास Realme GT मास्टर एडिशन है, जो कि इस फोन के अंदर डिजाइनिंग भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है और इस फोन की जो प्राइस है वो 21,000 है, तो इसके अंदर भी डिस्काउंट है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो इन दोनों फोन में से आप डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों फोन में से हमें कौन सा फोन लेना चाहिए, किस फोन के अंदर ज्यादा वैल्यू है। हमारे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT Neo 3T है और हमारे पास थोड़ा सा पुराना जो स्मार्टफोन है वो Realme GT मास्टर एडिशन है। तो इन दोनों फोन के बारे में देखना है कि हम इन दोनों फोन में से हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। अब आपके जहन में होगा कि यार हम Realme GT Neo 3T ले क्योंकि अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन है और इसे हमें जो है वो ले लेना चाहिए। खैर, मैं सारे फीचर जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, सारी आपको वैल्यू क्लियर करूंगा कि किस फोन के अंदर आपको वैल्यू मिल सकती है। देखो भाई, डिजाइनिंग लुक तो हर स्मार्टफोन की अलग अलग होती है और आपका पसंद होता है कि हम कौन सा फोन मतलब लेना चाहते हैं, कौन सी डिजाइन जो है वो हमें अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये सीन तो आपके जहन का है और आप कोई भी आप नए फोन जो है वो पसंद कर लिया कि भाई हम इन दोनों फोन में से ये फोन लेना चाहते हैं, अपने जहन के अंदर रखिएगा और आप स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जान सकेंगे और यकीनन आप एक अच्छा फोन सेलेक्ट कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो। तो मैं आपको खुद भी रिकमेंड करूंगा लेकिन आप खुद भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इन दोनों फोन में से किस फोन को सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों Realme GT मास्टर, यहां पर Realme GT Neo 3T के बारे में अगर बात करें ना, इसके अंदर जो स्क्रीन का साइज है वो आपको 6.62 इंचेस का देखने को मिला है, फुल HD की रेजोल्यूशन है और AMOLED पैनल है और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। और साथ में अगर बात करें Realme GT मास्टर एडिशन के बारे में तो इसके अंदर आपको स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जो कि 6.43 इंचेस का देखने को मिलता है। हालांकि उसके अंदर जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Realme GT Neo 3T, इसके अंदर 6.62 इंचेस का स्क्रीन का साइज देखने को मिलता है, लेकिन मास्टर एडिशन के अंदर दोस्तों हमें 6.43 इंचेस का देखने को मिल जाता है। खैर, इसके अंदर आपको फुल HD का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और इसके अंदर पैनल बहुत ही कमाल के हाई लेवल का देखने को मिला, जो बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको सुपर AMOLED पैनल देखने को मिला है, उससे आपको काफी बेहतर देखने को मिला है। लेकिन साथ में इसके अंदर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का ही देखने को मिलता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर बात करें तो इन दोनों फोन की जो है वो दोनों ये चीजें जो है वो आपको सेम देखने को मिली है। मतलब बताने का, एक के अंदर पैनल अच्छा देखने को मिला, एक के अंदर स्क्रीन का साइज अच्छा देखने को मिला, लेकिन इन दोनों में से आपको सिलेक्ट जो करना चाहिए वो पैनल को सिलेक्ट करना चाहिए। यूज करने में बेहतर है, आपका स्मार्टफोन स्मूथली चलता है जिससे आपको एक अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है वो आपको स्क्रीन का साइज और साथ में दोस्तों आपको जो है वो पैनल काफी बेहतर देखने को मिला Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर, आपको पैनल काफी बेहतर देखने को मिला। अब इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस वाइज के बारे में बात करते हैं, दोनों फोन की परफॉर्मेंस क्लियर है, सीरियसली क्लियर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो सेम नहीं देखने को मिला, जो कि आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम Realme GT Neo 3T के अंदर देखने को मिला है और इसके अंदर जो Qualcomm Snapdragon का चिपसेट है ये काफी मतलब हैवी है और इसके अंदर गेमिंग काफी बेहतर होने वाली है, जो कि Qualcomm Snapdragon का 870 का चिपसेट देखने को मिला है, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहां पर जितने नैनोमीटर कम होंगे, जितना आर्किटेक्चर कम होगा, उतनी ही परफॉर्मेंस इन्हें हैंडसम होगी। तो यहां पर बात यह की जा सकती है कि इसके अंदर चिपसेट काफी हैवी है, मतलब गेमिंग पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह, इस तरह की गेम्स को आप इजीली रन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। चले बात करते हैं अब दूसरे फोन की, जो कि हमारे पास Realme GT मास्टर एडिशन है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिला, क्योंकि यह फोन काफी पुराना है। उस टाइम
टाइम जो है ना एंड्रॉइड 11 को ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलता था, तो इस हिसाब से हमें ये बेहतर है। लेकिन हमें लेटेस्ट के अंदर एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला है, तो इस चीज को तो हमें सिलेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन इसके चिपसेट जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, यहां पर आपको 778G का देखने को मिला है। इसकी भी 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे आपको इसके अंदर कम देखने को मिलेगी परफॉर्मेंस, आपकी गेमिंग जो है वो उससे आपको थोड़ी सी लो ही देखने को मिलेगी, क्योंकि चिपसेट का फर्क आपको काफी देखने को मिला है। और यहां पर बात अगर की भी जाए तो यहां पर आपके लिए जो बेस्ट होगा, इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा रियलमी GT न्यू 3T, जो कि इंडिया में अभी अभी लॉन्च हुआ है। खैर बात करते हैं अब इन दोनों फोन की वेरियंट के हवाले से। देखो वेरियंट तो आपको कोई भी बाय कर लेना चाहिए, उसका प्राइस के अंदर बस फर्क पड़ जाता है, बाकी स्पीड के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए दोनों फोन के अंदर 8GB रैम के साथ 256GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी वेरिएंट भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पर कैमरे वाइज के हवाले से, आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है क्योंकि कैमरे पे थोड़ा सा चेंजिंग है जो कि आपको देखनी बहुत जरूरी है, सुननी बहुत जरूरी है, और इस चीज पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। अगर आप कैमरे की क्वालिटी अच्छा लेना चाहते हैं, या आप सेल्फी शूटर काफी अच्छे हैं, मतलब सेल्फी के लिए अपना स्मार्टफोन लेते हैं, या व्लॉगिंग वगैरह कैमरे का आपको काफी यूज करना होता है, तो उस हिसाब से आपको किस फोन की जानब जाना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस फोन को आपको लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें Realme GT New 3T के अंदर जो है वो बैक साइड पर ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने मिलता है। इसका मेन सेंसर हमें 64 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। लेकिन साथ में Realme GT Master Edition की बात की जाए, इसके बैक साइड पे भी आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन मेन सेंसर भी आपको 64 मेगापिक्सल का है, लेकिन वहां पर आपको सेल्फी के अंदर काफी फर्क देखने को मिला, जो कि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही है। बस मैं यहां पर यही कहूंगा कि भाई सेल्फी तो आपको पता ही है कि इसी को आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे वीक पॉइंट है जो इसके अंदर काफी कम देखने को मिले हैं। आगे चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब बैटरी के हवाले से। यहां पर Realme GT Master Edition के अंदर 4300mAh की बैटरी है, और साथ में दोस्तों आपको 65W की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन जो अभी लॉन्च हुआ Realme GT New 3T, इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी है और 80W की फास्ट चार्जिंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बैटरी कितनी ज्यादा देखने को मिली। तो यहां पर दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में Realme GT New 3T जो है, इसके अंदर बैटरी भी इंप्रूव है, फास्ट चार्जिंग भी इंप्रूव है, लेकिन वहां पर Realme GT Master Edition के अंदर आपको बैटरी 5000 तो क्या 4500 तक नहीं देखने को मिली। तो इस चीज पर गौर करना चाहिए कि बैटरी बहुत ही कम है, जो कि बहुत जल्द आपके फोन की जो बैटरी है वो कम हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको Realme GT New 3T की जानब चले जाना चाहिए। डिस्काउंट में चल रहा है तो भाई इसी फोन को आप ले सकते हैं, और अभी ले सकते हैं, और साथ में Realme GT Master Edition के अंदर भी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन ये फोन थोड़ा सा आपको 21,000 में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में अगर देखा जाए Realme GT New 3T, ये डिस्काउंट में है, 20,000 में मिल रहा है, तो आप इजीली जो है वो इसको बाय कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। इंशाल्लाह आप इजीली इस फोन की जानब जा सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बस मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको कंपैरिजन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन आता है ना उसको ऑल पे प्रेस कर देना। बस जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगी।